एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो का कैमरा रिव्यू। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास 6GB 64GB है, और ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया और साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है ताकि पता चले कि आपको ये किस टाइप से मैं सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फ़ोटोज़ का ऑप्शन है यहाँ पे, और मैं बैक कैमरा भी दिखा देता हूँ आपको। ये बैक कैमरा है, और यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेके देख लेता हूँ। और ये मैंने ले लिया है एक फ़ोटो, और इसको हम देख लेते हैं कैसा आया है। तो ये कुछ इस टाइप से फ़ोटोज़ आया है आपका निकल के, और इसमें डिटेल्स तो काफ़ी अच्छी है। बैकग्राउंड भी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है डायनेमिक रेंज इसने। ब्लूइस जो है बादल जो है आई हुई है यहाँ पे, और ग्रीन जो है इसमें कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट कर दिया है ग्रीन को। डार्क दिख रहा है ग्रीन, लेकिन इतना ग्रीन ऐसा है नहीं। डिटेल्स भी यहाँ पे सफिशियंट है, इनफ है, और बाकी फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी आई है। तो और देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये वाइड एंगल का एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो ये मैं क्लिक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ किस टाइप से आया है फ़ोटो। तो ये वाइड एंगल से निकल के फ़ोटो आई है। तो वाइड एंगल में आपको डायनेमिक्स तो ठीक मिलती है, लेकिन डिटेल्स इनफ नहीं है। डिटेल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको, और देख सकते हैं जो नॉर्मल फ़ोटो मैंने ली थी उससे तो काफ़ी कम है इसमें डिटेल। अब हम ले लेंगे जूम करके, तो जूम 2x देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, और आप यहाँ से 10x तक जूम कर सकते हैं। तो जूम करने में उतनी क्लियरिटी तो नहीं आती है, लेकिन जूम का ऑप्शन दिया गया तो आप कर सकते हैं। खैर वर्थलेस है ये, कोई जो उतना क्लियर फोटो नहीं आती जूम में। अब हम देख लेते हैं और भी ऑप्शन जो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मिल जाता है आपको, पोर्ट्रेट में ले सकते हैं। तो पोर्ट्रेट में यहाँ पे आप अभी ह्यूमन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पोर्ट्रेट उतना आएगा नहीं, लेकिन पोर्ट्रेट में आप ये बैलेंस कर सकते हैं ब्लर को जो है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एपर्चर f.1 1.0 करेंगे तो काफ़ी ब्लर होता है, और वैसे यहाँ पे 16 तक दिखाया गया है, f16 तक करेंगे तो ब्लर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये कुछ एक ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे प्रो मोड में देख लेते हैं। तो प्रो मोड में आपको यहाँ पे ISO वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इससे आप मेंटेन कर सकते हैं ISO 6400 तक दिया गया है यहाँ पे। तो ये आप डार्क करना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। और वाइड बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। ये वाला ऑप्शन क्लिक किया मैंने तो वार्म टोन आ रहा है, ये वाला किया तो कूल टोन आ रहा है। तो इस टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं। और वाइड एंगल यहाँ से आप देख सकते हैं, वाइड का ऑप्शन दिया गया है और एक अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन दिया गया है, तो अल्ट्रा वाइड में भी हम ले सकते हैं। और इसको हम कर लेते हैं बैक, और वापस से ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रो मोड में गए हम, और यहाँ पे हम लेंस को माइक्रो भी कर सकते हैं, माइक्रो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, अप टू 2 सेंटीमीटर तक आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको माइक्रो में किस टाइप से इमेजेस आपको कैप्चर होकर मिलेगी। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट हम लेते हैं, तो ये हमने एक माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आया हुआ है निकल के, डिटेल्स काफ़ी दी गई है। मैंने आज तक जितना भी माइक्रो कैमरा यूज़ किया है इतना बेटर मेरे को किसी भी मोबाइल में देखने को नहीं मिला है। अगर आपकी प्रायोरिटी माइक्रो लेंस लेने की, माइक्रो फोटोज़ का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप ये मोबाइल के लिए जा सकते हैं। माइक्रो के लिए काफ़ी अच्छा हैंडसेट बन जाता है ये, तो ये देख सकते हैं। ये मैंने एक और फ़ोटो क्लिक की माइक्रो में, तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिटेल्स निकल के आता है इसमें माइक्रो लेंस में। बाकी हम ऑटो में रख लेते हैं, और इसमें लेंस में मैं वाइड में लेके दिखाता हूँ आपको, अल्ट्रा वाइड में।
तो अल्ट्रा वाइड में देखिए और वाइड में देखिए, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। और ये मैंने किया अल्ट्रा वाइड, तो एरिया तो बढ़ता ही है। जैसे ये चेयर रखा हुआ साइड में, ये तो इसमें देखिए वाइड में अगर कवर नहीं कर रहा, तो अल्ट्रा वाइड जैसे मैंने किया तो पूरा टेबल यहाँ पे कवर करता है। तो मैंने क्लिक कर लिया फ़ोटो, और यहाँ पे देखेंगे तो अल्ट्रा वाइड में उतना डिटेल्स तो यहाँ पे आपको नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है और काफ़ी अच्छी फ़ोटो, डिसेंट फ़ोटो यहाँ पर निकल के आती है अल्ट्रा वाइड में। तो और देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमको मिलता है वीडियोज़ में। यहाँ पे आपको 1x का ऑप्शन है और 2x का ऑप्शन है, और यहाँ पे 0.6x का वाइड एंगल में भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ़ोटोज़ में ये देखने को मिलते हैं आपको, मेन सेंसर इसका 64 मेगापिक्सल का है, और वाइड एंगल लेंस यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, टेली मैक्रो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग डायमेंशन में आप फोटो ले सकते हैं, 1:1 तो ये ऐसा दिखेगा, उसके बाद 3:4 है जो उसमें ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे 16:9 है उसमें ले सकते हैं आप, और एक फुल है तो वो आपके फुल स्क्रीन में आ जाएगा। बटन्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस टाइप से, यहाँ पे कुछ कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है आपको। और भी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइमर दिया गया है और मूवी फ्रेम है, और अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं आप, और मूवी फ्रेम का मैं दिखा देता हूँ, मूवी फ्रेम कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है आप। तो काफ़ी अच्छा इनोवेटिव किया है रेडमी ने मूवी फ्रेम देखे, और यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पे सुपर मैक्रो भी देखने को मिल जाता है। तो मैं एक और सैंपल शॉट आपको लेके दिखा देता हूँ यहाँ पे सुपर मैक्रो का, और तो ये मैंने एक सैंपल ले लिया है, और ये काफ़ी अच्छा निकल गया है फ़ोटो, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो मैक्रो तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मैक्रो, अगर आप शौक़ रखते हैं मैक्रो फ़ोटोज़ खींचने का तो आप बिल्कुल इस सेट के साथ जा सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगा। तो और इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं, ग्रिड लाइंस को भी ऑफ़ कर लेते हैं, मैक्रो को भी ऑफ़ कर लेते हैं, और एक टिल्ट शिफ्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेप से यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और सेट की बात की जाए तो यहाँ पे धूप है हल्का सा, और हल्का सा वार्म हो रहा है, ये कैमरा भी चालू है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, और यहाँ से थोड़ा सा धूप भी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वार्म हो रहा है सेट। और ये प्रो कलर मोड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो थोड़े से कलर यहाँ पे आपको बूस्टेड देखने को मिल जाएंगे, देखने में तो काफ़ी आई प्लीजिंग लगता है, लेकिन आपको इसमें नेचुरल कलर देखने को नहीं मिलेगा। टाइम बस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरवल में 1 से 5 सेकंड के लिए 30 फ़ोटो या फिर 60 फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ले सकते हैं आप, जैसे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो, तो यहाँ पे आपको मोर में आना होगा। कैमरे में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन में जो है मोर, वहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे 64 मेगापिक्सल में 2x तक ही जूम मिलता है आपको, और यहाँ पे हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो फ़ोटोज़ यहाँ पे तुरंत क्लिक कर रहा है, जो Redmi Note 7 Pro था वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता था फ़ोटोज़ खींचने में, और 64 मेगापिक्सल में डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पे, देख सकते हैं डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ पे 64 मेगापिक्सल में। तो ये लीफ भी देख सकते हैं काफ़ी दूर है, लेकिन डिटेल्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे निकल के आया है। और उसके बाद एक और शॉट ले लेते हैं हम 64 मेगापिक्सल में, तो ये मैंने एक और शॉट ले लिया, और इसको देख लेते हैं हम।
ओपन होने में हल्का सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का। और यहाँ पे देखें तो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है 64 मेगापिक्सल में, काफ़ी अच्छी निकल के आती है यहाँ पे डिटेल्स, और शार्प है इमेज काफ़ी। डायनेमिक रेंज भी यहाँ पे डायनेमिक रेंज हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी और यहाँ 64 मेगापिक्सल को उठा के हम देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। शॉर्ट वीडियो का एक ऑप्शन, वीडियो को हम हटा देते हैं, मोड में जाते हैं, यहाँ पे व्लॉग मोड देखने को मिल जाता है आपको। व्लॉग मोड में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो बटन है इसको प्रेस कर लेना है, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये म्यूज़िक के साथ यहाँ पे आपको व्लॉग मोड में यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो मैं एक और व्लॉग मोड में आपको दिखा देता हूँ, टिप्सी में। यहाँ पे लैंडस्केप मोड में ही आप शूट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो शूट किया, कुछ इस टाइप से आपको व्लॉग मोड में वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मोड में जाएंगे तो यहाँ आपको ड्यूअल वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है, तो ड्यूअल वीडियो में आपको फ्रंट और बैक कैमरा दोनों आप ऑन रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से ड्यूअल वीडियो का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें, जिसमें आप दोनों कैमरा साथ साथ में ऑन रख सकते हैं, और आप इसको आप स्विच भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन है, इसको अगर आपको बड़ा करना है या फिर इसको आपको छोटा करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप उसके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ दिया गया है ड्यूअल वीडियो का सपोर्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं मोर में जाके, तो यहाँ पर आपको क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो क्लोन भी काफ़ी अच्छा चीज़ है, मैं क्लोन दिखा देता हूँ आपको। तो क्लोन में कुछ स्टेप से आपको देखने को मिल जाता है, तो क्लोन में आपको फ्रेम को एक कांस्टेंट रखना पड़ता है और एक ऑब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पे। तो कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे क्लोन में देखने को मिल जाएगा, वीडियोस बना सकते हैं आप, फ़ोटोज़ बना सकते हैं, फ्रिज फ्रेम बना सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है क्लोन में। और फिर मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हैं आप, कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। टाइम लैप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, टाइम लैप्स में मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा वीडियो लेके। तो ये टाइम लैप्स का मैंने एक शूट किया है वीडियो, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है टाइम लैप्स। और हम और देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, लॉन्ग एक्सपोजर देखने को मिल जाता है आपको। तो ये अगर रात वगैरह में क्लिक करते हैं तो काफ़ी बेटर आती है। मूविंग क्राउड है, ये नियॉन टेल्स है, ऑयल पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं एक ठो फ़ोटोज़ लेके देखता हूँ यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर में। तो ये कुछ स्टेप से हम यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। आपको थोड़ा देर वेट करना होगा इस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग में हल्का सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं स्टेरी स्काई, और यहाँ पे हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो ये हमने फ़ोटोज़ लिया और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे निकल के आई है। और ये फ़ोटोज़ एक्चुअल में नाइट में लेने के लिए है, स्टेरिस स्काई वाला। तो जो तारे वगैरह जो रहते हैं वो आपको बेटर देखने को मिलते हैं, फिर स्टार ट्रेल्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये नाइट के लिए है, जो लॉन्ग एक्सपोजर वाला मोड है वो मैक्सिमम जो इसमें मोड दिए गए हैं वो नाइट के लिए ही दिए गए हैं। तो
तो और देख लेते हैं हमको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। नाइट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो नाइट में ले सकते हैं आप। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैरानोमा, तो पैरानोमा में भी आप देख ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोटोज़ आपको लेके दिखा देता हूँ पैरानोमा में। तो ये पैरानोमा में मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया है और देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है। पैरानोमा में हल्का सा टाइम ले रहा है ये, और ये पैरानोमा की फ़ोटोज़ निकल के आ गई है। काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकल के आई है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे वीडियो शूट करते हुए, और मोबाइल आप बोल सकते हैं कि हीट हो रहा है, हल्का सा गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने बैक कवर लिया है लगाया है, फिर भी यहाँ पे वो फील हो रहा है यहाँ पे हीट। और यहाँ पे ड्यूअल वीडियो हो गया, व्लॉग हो गया। AI वाटर मार्क आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, तो वाटर मार्क में आपको इस टाइप से डेट वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। और भी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, एंजॉय लाइफ है और चार स्माइल पार्टी या जो भी यहाँ पे आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, हॉलीडेज हो गया और सीन हो गया, यहाँ पे सनी सीन है, क्लाउडी सीन है। तो AI वाटरमार्क इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। मोर में जाएंगे तो आपको और यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। और यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे आप वो रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइस इज ओवर हीट, तो ये हीट हो रहा है दिखा रहा है डिवाइस में, तो ये काफ़ी सही में हीट हो रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 20 मिनट ही हुआ है मुझे वीडियो शूट करते हुए और हीटिंग ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो वीडियो का अभी हम देख लेते हैं कि इस टाइप से निकल के आता है। तो वीडियोस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है 720 अप टू 30 FPS, 1080 पिक्सल में भी 30 FPS, और 1080p में आपको 60 FPS, और 4K में 30 FPS यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। तो हम यहाँ पे 1080 60 FPS में यहाँ पे हम वीडियोस देखेंगे करके, और स्टेबलाइजेशन तो हम देख लेते हैं वीडियो चला के कि वीडियोस में भी ऐसा ही है कि मैं तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो स्टेबलाइज़, तो वीडियोस में भी काफ़ी आपको देख सकते हैं फ्रेम्स काफ़ी हिल रहे हैं, तो उतना बेटर निकल के नहीं आया जो 60 FPS का है। 4K आप देख लेते हैं हम, और के वीडियो को हम बंद कर लेते हैं और इसका सैंपल देख लेते हैं। तो 4K में देखिए स्टेबलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देख लेंगे 1080p 30 FPS में, तो फ्लैश यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, डिवाइस ओवरहीट बोल रहा है। तो
तो मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको जो वीडियो सैंपल है। स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं आप, अच्छी निकल के आ रही है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन। तो कुछ इस टाइप से वीडियो सैंपल है। फ्रंट कैमरा का भी हम देख लेंगे यहाँ पे, फ्रंट कैमरा का कुछ इस टाइप से यहाँ पे वीडियो में हम देख लेंगे। फ्रंट कैमरा में यहाँ पे आपको 1080 30 FPS और 720 30 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है। मूवी फ्रेम का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम 1080 पे मूवी फ्रेम हटा देते हैं और वीडियो लेके देखते हैं। सैंपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्टेबलाइजेशन हल्की सी कम देखने को मिली है यहाँ पे मेरे को, 720 में शायद बेटर निकल के आया। तो 720 में भी थोड़ा सा बेटर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है आपको। बाकी यही था बस इस वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।